अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज बंगाली मुस्लिम जायका में हम चने दाल के साथ सब्जी मिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। ये बहुत ही ट्रेडिशनल बंगालियों का बहुत ही फेमस रेसिपी है। इस सब्जी को आप आधे घंटे में ही कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें एक कप के करीब कच्चे पपीते का इस्तेमाल किया है, एक कप के करीब पम्पकिन, एक कप बैंगन, परवल, झींगा और बरबटी। साथ ही हमने एक बाउल के करीब चना दाल, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, उसका इस्तेमाल करेंगे। और भी आप सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब हमने एक क्ले पॉट लिया है, जिसमें सारे सब्जी एक एक करके ऐड कर देंगे। मैंने परवल, झींगा सब ऐड कर दिया। उसके बाद बैंगन को भी ऐड करेंगे, साथ ही हम बरबट्टी को भी ऐड कर देंगे। फिर हम पम्पकिन और पपैया को भी इसमें ऐड कर देंगे। सारे सब्जी एक साथ ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट करेंगे, और जो भिगे हुए चने दाल है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बनाने के लिए हमें सब्जी को फ्राई नहीं करना पड़ेगा। बिना फ्राई के ही सब्जी को हम तैयार करेंगे। बहुत ही डिलीशियस। हमने 4 से 5 हरी मिर्च को बीच से चीरा कर लगा कर डाल दिया। साथ ही एक प्याज को हमने इस तरह से बारीक से काट लिया, और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च के करीब ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच के करीब नमक भी ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आए। फिर हम इसे हाथों से बहुत अच्छी तरीके से सब्जियों को मसाले के साथ मिलाएंगे, जिससे इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। और इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। सब्जी बहुत अच्छी तरीके से मिल चुकी है। ये मसाले से इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम और पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। हम इसे गैस के फ्लेम में चढ़ाकर धीमी आंच में 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ढक्कन खोल कर देखेंगे, सब्जियों में से बहुत हल्का सा पानी निकलना शुरू हो चुका है। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। बिना पानी के ही ये सब्जी बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगा। ज़्यादा पानी मत ऐड करना। अब इसे हम थोड़ा सा अच्छे से हल्का हल्का हिलाएंगे, जिससे ये नीचे से ना पकड़ ले। इस सब्जी को और 10 मिनट के लिए हम कसेंगे। उसके बाद इसे 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। फिर पानी के साथ सब्जी को बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा मिला लेंगे। ज़्यादा हमने पानी नहीं ऐड किया है। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे धीमी आंच में ढक के रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। हमने एक तवा गरम किया है। इस सब्जी को तैयार करने के लिए हम बहुत मज़ेदार से तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हमने तवे में 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल ऐड किया। उसके बाद हमने कसा हुआ लहसुन, ड्राई रेड चिली, हींग और 2 प्याज को बारीक से काट लिया। सरसों का तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम 1/2 हींग ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें कसा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, इसमें से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। फिर हम इसमें 1 चम्मच के करीब सरसों का दाना ऐड करेंगे। साथ ही हम 1 चम्मच के 5 फोरन ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से चटकने तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें ड्राई रेड चिली 3 ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी रियली बहुत ही डिलीशियस बनता है। उसके बाद हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करना है। जब हम मिट्टी के तवे में कुछ तड़का लगाते हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस आता है। क्ले पॉट में सब्जी बहुत अच्छी सी बनकर तैयार हो चुका है। 5 मिनट हम इसे अच्छी तरीके से हिलाएंगे। उसके बाद हमने जो तड़का तैयार किया है, उस तड़के को सारे हमें इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से इस तड़के के साथ इस सब्जी को मिलाना है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा से इसमें आ जाए। हम इसमें और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। ये सब्जी रियली बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हो चुका है। इसका रंग भी बहुत ही सुंदर है, एकदम येलोइश कलर का है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और ढक कर रखेंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ढक्कन खोल कर देखेंगे, ये रियली बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा रेसिपी अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक देना मत भूलना। इसके बाद मैं एक और नए बढ़िया रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।